एक दूसरा मुद्दा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का उठा है। मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। पीछे शिकायतें आई थी और शिकायतें आई उसमें तथ्य भी पाए गए। बेमरवत बिना देरी किए हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया, जांच सीबीआई को दी गई। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में सबसे अच्छी जांच एजेंसी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकती है वो सीबीआई ही है, और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है, और मैं आपको भरोसा देता हूं कोई कितना भी प्रभावशाली है उसके गिरेबान तक कानून पहुंचेगा और उसे जरूर सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया से एक चयन हुआ, उस पर कुछ नौजवानों को आपत्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके कोशिश हो रही किसी तरह से रिक्रूटमेंट न हो। 3 साल में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। इस साल हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साल 2023 में भी कम से कम 12,000 भर्तियां हम कर सकें। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम व्यक्ति का जब साक्षात्कार समाप्त हुआ उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिया गया। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में 47 के बाद से आज तक ऐसा परिणाम कभी नहीं आया होगा। लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिए गए। जो परीक्षाएं हुई हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, किसी को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी आई है, दीजिए उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराना, और गड़बड़ी लेस मात्र पाई जाएगी तो निश्चित रूप से निरस्त करना, और गड़बड़ी करने वालों को कानून और संविधान के अनुसार सजा दिलाना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसे हम जरूर करेंगे। लेकिन बहकाव में मत आइए। वो क्या कह सकते हैं जिन्होंने आतंकवादी और उनके परिवारों को नौकरी दी? उनको कौन नैतिक हक है जिन्होंने 1,00,000 बैकडोर एंट्री करके ऐसे लोगों को भर दिया कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा? इनको कोई नैतिक हक नहीं। हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी नियुक्ति होगी केवल और केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी। वो जमाना लग गया जब नौकरियां दुकान पर बिका करती थी, जब सिफारिश से नौकरी मिलती थी। और इसलिए मैं नौजवान मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए, कहीं आपको लगता है कोई भी गड़बड़ी हो रही है, आप ध्यान में लाइए, निश्चिंत रहिए, किसी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई हो। हाँ, लेकिन अब वो लोग आईना दिखावे, मुझे लगता है जिन्होंने नौजवानों के सपनों को दिन दहाड़े लूटा, पूरे इकोसिस्टम को जिन्होंने बर्बाद करके रखा है, ऐसे लोग नौकरी में थे, दफ्तर आते ही नहीं थे, अब वो तकलीफें तो थोड़ी बढ़ेंगी, और वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह आम आदमी जो टैक्स देता है उसकी कमाई से तनख्वाह आ जाती है। और मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके सपनों के आशियानों पर आग लगाई थी उनके बहकावे में मत आइए। जमीन से लेकर नौकरियों तक जिन्होंने केवल लूटने का ही काम किया था, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कहीं भी न बेईमानी हुई है न होने दी जाएगी, और किसी बेईमान के लिए अब जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। एक बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए धूमिल, उनकी दो एक बड़ी छोटी कविता है, कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इन खेलने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक यहाँ के लोगों ने योग्यता के साथ खेल खेला है, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, आप मन से तैयारी करिए। मैं फिर से आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। और जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की,
पूरी पारदर्शिता की, पूरी ईमानदारी की, वो आगे भविष्य में कायम रहेगी।